गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट। और आज इस वीडियो में एक परमानेंट सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ माइनक्राफ्ट की। सो भी मैंने वर्ल्ड एक स्टार्ट कर दिया, जो भी मैं गलती से बाहर निकल गया था वो मैंने वो कट कर लिया पार्ट। सो भी वर्ल्ड स्टार्ट हो रहा है, तो इस वर्ल्ड का नाम मैंने रखा है लाइक दिस वन। आई नो बहुत अजीब नाम है लेकिन ठीक है। सो मैंने बोनस चेस्ट रखा था, वो कहाँ पे गया? मैप में नहीं गया, तो यहाँ पे देखते हैं। अरे नहीं, अरे गलती से गिर गया, कोई बात नहीं, एक्स ले लेते। ये तो पता है एक्स और पिकेक्स तो आते ही है। सो पीसी के वर्ल्ड का क्या हुआ वो भी मैं बता देता हूँ। उसमें अनफॉर्चुनेटली सब कुछ चला गया, आई मीन वो वर्ल्ड मैंने कर दिया, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन वो गलती से डिलीट हो गया इसलिए वो सीरीज मैंने स्टॉप कर दिया। और वैसे भी उसमें ग्राफिक्स भी, आई मीन मैं एंड्रॉयड और पीसी के ग्राफिक्स की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक उसमें प्रॉब्लम जो है वो तो है, मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद। मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या प्रॉब्लम है। नॉर्मली देखो, ये खास देखो, और पीसी में कितनी 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 ज़्यादा खास होती है, मज़ा ही नहीं आता देखने में। कुछ ग्राफिक्स इतने बकवास हैं, और एंड्रॉयड में भी इतने ज़्यादा ग्राफिक्स अच्छा नहीं है, आई मीन माइनक्राफ्ट में इतनी ज़्यादा ग्राफिक्स अच्छा नहीं है। मैं RTX और वो सारी चीज़ों की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल ग्राफिक्स। सो दोस्तों, RTX एंड्रॉयड में नहीं सपोर्ट करता है, मैं थोड़े अलग होते हैं जो PC से, इसलिए हम उसमें खेल तो नहीं सकते, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कुछ सेडर्स करने की जिससे मज़ा आए इस गेम को खेलने में। सो अभी तक मैंने साइन इन तो नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं, कर लूँगा बाद में। फिर मैं आपको अपना कैमरा टैग दे दूँगा। सभी सीप मिल गई, दे दो। आई मीन यार इस जगह पे सीप बहुत रह रहे हैं, मतलब कोई दिख ही नहीं रहा, देखो दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा, एक ही सीप मिली अभी। सो दोस्तों एक चीज़ में और एक बता दूँ आपको, वो चीज़ ये है कि नेक्स्ट अगर पार्ट जब आएगा माइनक्राफ्ट का, तो उस पार्ट में है ना फेस्टिवल ज़रूर होगा। आई मीन मैं पक्का बता रहा हूँ, उस टाइम पक्का नहीं, 99.99 इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन तो लाइफ बॉय भी नहीं देता जितना मैं आपको श्योर हूँ। सो यहाँ पे ज़ॉम्बीज की आवाज़ आ रही थी, आई डोंट नो व्हाई, आई मीन वापस से आ रही है, क्या जगह, आई मीन ज़ॉम्बी ही नहीं होगा, ड्राउन होगा पानी में, ज़ॉम्बीज क्या करेंगे, ड्राउन होते वहाँ पे तो मोस्टली। सो दोस्तों, और इस गेम में जो अपडेट्स आए उसमें कैसे कैसे वॉइस ऐड हुए, मतलब अभी मैं आपको सुना तो नहीं सकता क्या क्या वॉइस है, लेकिन कैसे वॉइस है गाइस, मैंने जब सुने तो मैं तो पागल हो गया, ये क्या चीज़ है, ऐसा तो कभी था नहीं, दिन में मुझे डर लगने लगा। आई मीन ओ भाई, यहाँ पे होश भी मिल गया, कोई बात नहीं, अभी नहीं चाहिए, और मैं स्लेट भी नहीं जा सकता कहीं पे। सो इसमें इमोट्स भी आए इस अपडेट में। सो ये कौन सा वर्जन, मैं आपको बता देता हूँ, जिस वर्जन का जो मैंने आपको ट्यूटोरियल दिया था, 1.16.0.57 वाला जो वर्जन था, वो भी वही मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों। तो जस्ट खेलते हैं नॉर्मली गेम को। सो परमानेंट सीरीज अभी बता दूँ, इस वर्ल्ड में कुछ भी होना मैं यही वर्ल्ड खेलूँगा, मर जाओ सब कुछ चला जाए ना तब भी यही वर्ल्ड, क्योंकि सब कुछ चला जाएगा क्या होगा, नई शुरुआत होगी ना, वही तो हुआ नई वर्ल्ड। ओ यहाँ पे और तीन हॉर्सेस है, आई मीन ये हॉर्सेस वाली जगह है, तो चलो थर्ड पर्सन खुशी थोड़ी करते हैं, आई मीन इमोट यूज़ करते हैं। सो मेरे पास तीन इमोट स्टार्टिंग में कुछ आए जब मैंने गेम को भी इंस्टॉल करके जब ओपन किया तब। सो इमोट्स डिफ़ॉल्ट आते हैं, ऐसे सैंपल आता है, आई डोंट नो, या फिर मैंने अचीवमेंट्स यस वो अचीवमेंट्स ये मैं भूल गया नाम उसका, अचीवमेंट्स ये या एडवांसमेंट मैं भूल गया था। सो उसकी वजह से आया, आई डोंट नो कैसे आया, अरे कुछ चल दिया मुझे, आई मीन। सो अभी मेरे पास दो कैप आई थी स्टार्टिंग में, और मुझे ये वाली अच्छी लगी, आई डोंट नो व्हाई। बस आज की इस वीडियो में वॉइस इरिटेशन थोड़ी कम होगी, जो हर वीडियो में ज़्यादा होती है, क्योंकि तो जो मेरा फ़ोन था उसका जो माइक्रोफोन जो होता है ना, नहीं होता है वो ख़राब हो गया था, आई डोंट नो कैसे अचानक से ख़राब हो गया, इसलिए मैं उसमें कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, इसलिए मैं हैंड्स फ्री यूज़ कर रहा था अभी तक।
और उसमें वॉइस रिडक्शन आई डोंट नो कैसे, लेकिन बहुत ज़्यादा हो रही थी। आई थिंक ड्यू टू फैन और कोई और रीज़न हो सकता है उसका, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा दूसरे फ़ोन से ही करना पड़ेगा। मतलब भी मैं दूसरा फ़ोन लेके आया, उसका जो वॉइस रिकॉर्ड होता है उसे कर रहा हूँ। सो फर्स्ट पर्सन में आ जाते, अब नॉर्मल खेलना है हमें। सीरीज जो स्टार्ट किया 5 मिनट आई थिंक हो गया, 5-10 मिनट। सो यहाँ पे मुझे माइंड सो माइंड मिल गई है हमें। तो टॉर्चेस लगाते हैं, तो हमारे पास 4 टॉर्चेस जो थी बोनस चेस्ट की, ये अच्छी बात है। इसमें टॉर्चेस आती है। अरे अच्छा, 2 ही ब्लॉक था, मुझे लगा ज़्यादा ब्लॉक से। तो यहाँ पे क्यों मैंने लगा दी, कुछ भी यार, इलॉजिकल गेम मत खेलो। ओके नीचे कोई है नहीं ये, लेकिन गाइस किसी क्रीपी नॉइसेस है यार। जब मैं माइंड में एंटर हुआ ना, तब भी ऐसे आवाज़ आ रहा, मुझे लगा अंदर से आरती उतारेंगे ज़ॉम्बीज मेरी आरती। सो देखते कोई है। अरे कैसे कैसे आवाज़ आ रहे, भयानक, ऐसा लग रहा है पीछे से ज़ॉम्बी आएंगे डायरेक्ट मारने के लिए। कैसे आवाज़ है भाई इसमें गेम में, बहुत ही ज़्यादा डरावने लिटरली। अरे ये क्या था, अरे यार ये तो बहुत डरावना है, मुझे नहीं खेलना। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज की वीडियो में इतना ही। सीरीज ख़त्म हो रही है, मेरे चैनल ख़त्म हो रहा है, मैं ख़त्म हो रहा है, डोंट नो क्या बोल रहा हूँ, अभी वीडियो चल रहा है, मजाक कर रहा था। लेकिन गाइस कितना ख़तरनाक हुआ था, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं यहीं पर घर बना रहा हूँ। सो कहा गए जल्दी से प्लैंक्स बनाओ, एयरप्लैंक्स उठा, और क्या करना है। अब यहाँ से कवर करता हूँ मैं अपने आप को, मुझे लग रहा है कोई मुझे मारने आ रहा है। मैं गेम में कोई नया मॉब भी ऐड हुआ है, सो इस वर्जन में आई डोंट थिंक कि वो है, अगर वो तो प्लीज़ मुझे मत मारो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मॉब का नाम भी मैं भूल गया हूँ, कौन सी जगह पर होता है वो मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है, और मैं अभी नो उस गेम में इतना बड़ा प्रो नहीं हूँ। सो बाय बाय, बंद करो, कवर करो। सो अभी मैं वीडियो ख़त्म भी नहीं कर सकता। सो 1 सेकेंड, अभी मैं कवर कर रहा हूँ जल्दी से अपने आप को, बहुत ही डर लग रहा है। सो बीच में थोड़ा काम आ गया था, इसलिए थोड़ा वॉइस का आई थिंक प्रॉब्लम होगा, मुझे नहीं लगता होगा, लेकिन मज़ा आ रहा है। अरे टॉर्च रख दी, क्रिटिकल यार, मैं पागल हो गया, इतना खतरनाक वॉइस था यार वो। ये गेम में कैसे कैसे अपडेट्स आ रखे हैं भाई, वह तो देखो कितना क्रीपी वाला रहा। सो इसे यहाँ से बंद कर दो, नीचे से भी बंद करना है। सो मुझे लगता है ये हमारा छोटा बेस तैयार हो गया। सो ऐसी जगह पे मैंने क्यों किया मुझे भी नहीं पता। सो मैं नूबू इसलिए मुझे नहीं पता कौन सी जगह पे क्या है और कहाँ पे क्या होता है और क्या करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो गाइस अगर आपको मेरे वीडियोस कुछ ज़्यादा ही चाहिए, एडिटिंग के वीडियो में बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि एडिटिंग के वीडियो जब मैंने देखे, जो मैंने वीडियो अपलोड की थी 20 बॉय सब के एडिटिंग बेसिक्स वाली, उसमें गाइस कितने ज़्यादा व्यूज, कितनी जल्दी आ गए थे लिटरली, मैं बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हो गया था कि भाई मेरी चैनल में इतने ज़्यादा व्यूज इतनी जल्दी। गाइस मैंने सोचा है अब से मैं एडिटिंग के वीडियो थोड़ी ज़्यादा लाऊंगा आपके लिए, और जो 20 बॉय सब की जो मैंने एडिटिंग की है उसमें सब लोग ये कह रहे कि पूरी एडिटिंग नहीं है, बहुत ही ज़्यादा उसमें चीज़ें कम है, मतलब मैंने बेसिक्स ही सिखाया है और ज़्यादा कुछ सिखाया नहीं है। और मोस्टली डिमांड इस चीज़ की है कि उसका जो बैकग्राउंड वो कट करता है अपने फेस क्रीम का, वो कोई इसका एक ट्रिक बताओ जो हम ग्रीन स्क्रीन के बिना कर सकते। सो ये तो पता है आपको, ग्रीन स्क्रीन से वो ऐसा सब कर सकते हैं काइन मास्टर में क्रोमा के फीचर से, लेकिन उसके बिना कैसे करना है। सो उसके लिए मैंने बहुत ही ज़्यादा सोचा, यूट्यूब में भी, गूगल में सभी जगह किया, लेकिन कोई सॉल्यूशन मुझे नहीं मिला। ग्रीन स्क्रीन चाहिए या फिर कोई भी एक वॉल चाहिए, लेकिन कुछ लोगों के पास नहीं होती, और काइन मास्टर का क्रोमा की इतना प्रोफेशनल है ये। इसलिए गाइस मैंने खुद की तरह से एक अजीबोगरीब ट्रिक फाइंड की है, जिसमें क्या करना है, थोड़ी ज़्यादा मेहनत होगी लेकिन वो वर्क करेगा, तो इसलिए मैं ज़रूर वीडियो अपलोड करूँगा। सो आज इस वीडियो में ध्यान देते,
सो जो बेसिक्स एडिटिंग थी 20 वर्ष की, अब मैं एडवांस एडिटिंग लाने वाला हूँ दोस्तों। सो बहुत बढ़िया होने वाली है एडवांस एडिटिंग बीस्ट बॉय सब। सो अब मुझे लगता है इस जगह को मुझे थोड़ी एक्सपांड कर लेनी चाहिए, या फिर अभी मुझे पता नहीं दिन हो गए या फिर अभी रात हो चुकी होगी, पता नहीं क्या है। सो अभी मैं सोचा हूँ यहाँ पे माइन जैसा कुछ करने लगूँ, मतलब माइनिंग करने लगूँ, क्योंकि मेरे पास जो कोल का जो सोर्स है बहुत ज़्यादा कम है, सिर्फ 2 ही कोल है और 2 कोल से बहुत ज़्यादा कुक नहीं होता। सो मैं काम करने वाला हूँ यहाँ पे, माइन करने की ट्राई करने वाला हूँ, शायद मुझे कुछ मिल जाए ऐसी चीज़ कोल जैसे। मुझे हर बार क्या होता है जब मैं ट्राई करता हूँ खेलने की, मोबाइल में एंड्रॉइड में बता रहा हूँ, तो मुझे हर बार है ना आयंस मिल जाते हैं इतनी जल्दी, आई मीन कितनी जल्दी मुझे आयंस मिल जाते हैं मुझे भी पता नहीं इतनी जल्दी कैसे मिल जाते हैं, लेकिन मिल जाते हैं। साथ ही इस वीडियो में मुझे अंदर से ना इतना ज़्यादा इतना लग रहा है ना कि यहाँ पे डायमंड्स नहीं आयंस हो ही सकते। ओके सो माइंड करते हैं आगे। अरे रुको, ये तो आयन है। अरे यार मुझे लगा वो था कोई अलग ही ब्लॉक जो इस गेम में नया आया होगा, जो पता नहीं था कि जगह अपडेट में कुछ नए स्टोन जैसा कुछ आया होगा, मैं तो मस्त खेल रहा था, चलो तोड़ते तो भी दिखाया तो आया ने भाई, एक आयन मेरा बेस्ट हो गया था। ओ मिस्टर प्रोटॉन निकल यहाँ से निकल। अरे क्या जा रहा हूँ मैं, कुछ भी, ये रहे आयंस, 100 आयंस मिल चुके हैं। ओ 1 2 3 4 आयंस है अभी मेरे पास, तोड़ो। ओ 5 आयन हो गए लाल, और ये रहे 5, और ये 5 आयंस हो चुके हैं। मैं अभी भी बता रहा हूँ मैं नूबू प्रो नहीं हूँ, इसे क्या करते हैं कोई ये ट्रिक्स तो मुझे नहीं पता। अरे यार मेरा फ्यूल कोल की मैं बात कर रहा बहुत कम हो गया, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मेरे रूट के लॉक्स है ना उसे यूज़ करना पड़ेगा, सब कुछ मेल्ट और कुक करने, मतलब मैं उसे यूज़ नहीं करने वाला, इसके चारकोल बना लूँगा, और चारकोल के बारे में आपको तो पता है, वो तो दिखने में मुझे बहुत अच्छे लगते हैं चारकोल। सो अभी मैंने सोचा मैं अभी एक शेल्ड तो बना लूँगा। ये कौन सा ब्लॉक है भाई, अच्छा मैं भूल गया, यहाँ पर कोई भी प्लैंक्स हम यूज़ कर सकते हैं। मुझे लगा ये क्या नए अपडेट में रेसिपी बदल दी इन लोगों ने, यार क्या कर रहा हूँ मैं, ये रहे ब्लैंक्स। अरे हाँ यार ऑटोमेटिक सब कुछ हो रहा है, मेरे हाथ में कहीं भी लगा रहा हूँ मुझे भी नहीं पता। सो ये ब्लैंक्स आ चुके हैं, अब हम सेल्ड बनाएंगे, और सेम पैर दिया भाई सेल्ड, क्या बोल रहा हूँ मैं कुछ भी, लो थोड़े देखते कुछ मज़े और प्रैंक्स करते हैं कुछ गेम के साथ। ओ बच गया इसके पहले की तरह नहीं हुआ, हेलो। सो अभी सिल्ड, सो चलो एक बार इमोट्स ट्राई करते हैं सिल्ड के साथ कैसे दिखते हैं, चलो देखते। अरे वो ताली वाला कहाँ पे गया, अरे एक सेकेंड ठीक से खड़ा है वहाँ पे, देखो अजीब लग रहा है, मुझे लगा इस तरह से नहीं होगा। ए ये क्या कर रहा है, सिल्ड और पिकेक्स को दोनों को तोड़ रहा है मेरे सिल्ड को, कहने दो सच में टूट ना जाए कुछ नुकसान हो जाएगा। सो चलो माइनिंग कंटिन्यू करते हैं, एक सेकेंड ये इंगट के सब, मुझे कोल चाहिए, यहाँ पे कोल मिल जाए तो अच्छी बात है। एक सेकेंड एक चीज़ तो मैंने देखी ना, आई एम रियली अ नूब, ऊपर तो देखो अभी भी कितने आयन से, 1 2 3 3 आयन से भी, वो भाई ऊपर तो मैंने देखा ही नहीं, ऊपर भी कितने ज़्यादा आयन थे। अरे यार ओ यहाँ पे भी है क्या, ओ भाई मुझे आयन अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन मैं कुक कर पाऊँगा क्या, नहीं कर पाऊँगा, पता नहीं कर पाऊँगा कि नहीं, कोई बात मैं अभी कुछ बना लेता हूँ, एक सेकेंड कैसे बनाऊँ, अच्छा ये करना पड़ेगा मुझे, नहीं ये नहीं करना पड़ेगा, कोई बात नहीं एक कुक होने दो, आई मीन स्मेल्ट होने दो, फिर हम चारकोल बनाएंगे। ये क्या मैंने कर दिया, सो एक आ जा, अरे वहाँ पे क्यों रखा, अरेगा बाद में ठीक कर लूँगा। सो चारकोल बन जा,
जल्दी यार, वो बन गया। तो एक चारकोल आ चुका है हमारे पास, यहाँ पे इसे रख देते हैं चारकोल को, ताकि एक से दो, दो से चार, और चार से ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि मैंने चार ही लोग रखे थे। लॉल, बनते रहो तुम लोग, ये बहुत अच्छी प्रोसेस है। आई मीन फ्री फायर नहीं गए, सॉरी माइनक्राफ्ट में। मैं भी गेरेना बोलने वाला था, तो मोजांग की गेम है, गेरेना कहाँ से आया, कुछ भी। अरे यार स्मेल बने में इतनी देर क्यों लग रही है। ओके सो ये होता रहेगा, मैं थोड़ा टाइम पास करता हूँ। आई मीन क्या करूँ, यहाँ पे देखते मतलब बाहर जाने का रास्ता कुछ करते, जहाँ से मुझे पता चले दिन या रात ये कहाँ तक है। आई मीन रास्ता ही नहीं है कुछ यहाँ से देखने का। लोल यार मैं बाहर कैसे निकलूँ यार, यहाँ से था। अरे मैं भूल गया, मैं कहाँ से आया, उस तरफ से, उस तरफ से, मुझे नहीं लगता मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं भूत थोड़ी रखे थे। यस मैं यहाँ से नहीं आया हूँ, मैं दूसरी तरफ से आया, लेकिन वहाँ पे कुछ है नहीं। अच्छा तो मेरे बाहर निकल का जो वे जो रास्ता है वो मेरे ऊपर से, मतलब जो मेरा घर जैसा कुछ है जो अभी का फिलहाल, उसके ऊपर है। ठीक है तो मैं ऊपर से बाहर चल सकता हूँ, अभी थोड़ी माइनिंग कंटिन्यू करते हैं। मुझे थोड़े और आयन, और आयन नहीं कोल चाहिए कुछ भी करके। तो अभी चार कोल तो आ चुके हैं आई मीन, इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन स्टोन्स तो चाहिए, और कोल से एक्सपी भी तो मिलती है। अरे यार यहाँ पे सब कुछ डायोराइट ही है और कुछ नहीं है, स्टोन्स। अरे यार ये कौन सी जगह है, पहले तो बहुत कुछ अच्छा मिल रहा था, अब स्टोन्स क्यों घट रहे हैं। कहीं डर्ट आ जाती है, कहीं ग्रावल आ जाती है, कहीं डायरॉइड। सो मैं सोचा हूँ डायरॉइड को है ना मैं पॉली डायरॉइड बना दूँ, ताकि वो दिखने में ना थोड़े अच्छा लगेंगे, और मैं आई थिंक सैडर जो यूज़ करने वाला हूँ उसमें भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगने वाले हैं दोस्तों। सो इसलिए मैं वही यूज़ करूँगा। सो गाइस आज की इस वीडियो में मुझे लगता है इतना ठीक रहेगा, 17 मिनट का वीडियो बन चुका है दोस्तों। सो इतना वीडियो ठीक रहेगा, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और गाइस और एक चीज़, नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा ऑफलाइन भी थोड़ी कर लूँगा, आई मीन अभी जो मैं कर रहा हूँ मतलब आगे मैं थोड़ी प्रोग्रेस कर लूँगा। आई थिंक थोड़ा ज़्यादा ही आगे आ जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत ही बढ़िया चल रहा है हमारा वर्ल्ड सब कुछ। तो गाइस मिलते हैं अपने।